नमस्कार, 7 बजे 7 सवालों का वक्त हो चला है। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। 16 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है। 16 फरवरी का यहां हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सूत्रों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की यही तारीख मुकर्रर की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस 16 तारीख को हमला करने जा रहा है। इधर सैटेलाइट एमजेस की बात की जाए तो पुष्टि कर रहे हैं कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और आज का हमारा पहला सवाल हम आपको बता देते हैं क्या है, क्योंकि ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पहला बड़ा सवाल, क्या जंग छेड़ने के लिए तैयार है रूस यूक्रेन? किस तरीके की तैयारी है इस रिपोर्ट में देखिए। क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होकर रहेगा, वो भी महज 24 घंटों के भीतर? ये सवाल इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जो स्थिति है और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जिस तरह के खुलासे और दावे कर रही है, उससे तो यही लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी युद्ध का लगभग ऐलान सा कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। जेलेंस्की ने पोस्ट में कहा है कि हमें बताया गया है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा। यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। Нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для настання миру в Україні. वही अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि रूस की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो युद्ध टालना चाहता है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा है कि रूस की ओर से सैनिकों का जमावड़ा अभी भी जारी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं, जो बताती हैं कि रूस ने यूक्रेन को लगभग 3 तरफ से घेर लिया है। इसमें दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस की ओर से घेरा है। वहीं रूस ने यूक्रेन के साथ लगती सीमा पर भी सैनिक तैनात कर दिए हैं। येलेनिया में रूसी सेना के मिलिट्री बेस को खाली कराया जा चुका है। 2021 के आखिर में यहां बड़ी मात्रा में टैंक और हथियारों को इसी मिलिट्री बेस पर लाया गया था, जिसमें 700 टैंक, वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर शामिल थे। अब इन्हें मिलिट्री बेस से ले जाकर यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पिछले हफ्ते से ही रूस और बेलारूस की सेना ने 10 दिनों का युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसमें रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए हैं। बेलारूस में रूसी सैनिक के साथ साथ SU-35 समेत कई लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस सकती है। बेलारूस और कीव के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है। 550 मिलिट्री टेंट और सैकड़ों वाहन क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल के उत्तर में आ चुके हैं। कई रूसी युद्धपोत क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवस्तोपोल भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा रूस ने 6 जंगी जहाज काला सागर में भी तैनात कर दिए हैं। दोनों तरफ से वाद विवाद चल जा रहा है, राजनीतिक प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो रहे हैं। इस समय जो स्थिति बनी हुई है वह एक युद्ध की तरफ बढ़ रही है और यह युद्ध किसी न किसी रूप में अवश्य होगा, अनलेस यूक्रेन और नाटो देश रूस की प्रमुख मांग को मान लें और यह युद्ध को टाला जा सके। बहरहाल दोनों तरफ से जारी युद्ध की धमकी और रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूसी सैनिकों के जमावड़े को देखते हुए कहा जा सकता है कि तनाव चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर इस जंग को टालने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
इस पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया कि किस तरीके से ये दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं। सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस की भारी फौज जमा है, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति के बाद भी रूस अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत लगातार जारी है। ऐसे में हमारा दूसरा बड़ा सवाल, हम आपको बता देते हैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि क्या इस घातक युद्ध से बचा जा सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से तनाव को खत्म कर दिया जाए। युद्ध रोकने के लिए किस तरीके की अलग अलग देशों के बीच किस तरीके की कूटनीति हो रही है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अनिल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका गुड न्यूज टुडे पर। लगातार इसको लेकर सवाल भी सर किया जा रहा है, क्या युद्ध रुक सकता है, क्या इस घातक युद्ध से बचा जा सकता है? देखिए, युद्ध तो कोई भी रोका जा सकता है और युद्ध लोगों की महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है, और ये बात इसमें भी पूरी तरह से लागू होती है। मेरा मानना यह है कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है रूस और अमेरिका के बीच। अमेरिका अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य जमाना चाहता है, रूस को जो उसकी सिक्योरिटीज है उसके बारे में बार बार थ्रेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर देखिए यूक्रेन और बेलारूस दो कंट्री रह गए हैं अब, जो खासतौर से बफर स्टेट्स हैं रूस के और यूरोप के बीच में और नेटो के बीच में, तो उसको वो उसकी एक रेड लाइन है। इसीलिए रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है, जो तीसरा बड़ा मुल्क है पूरे यूरोप का और रशिया का एक पार्ट टाइम पे पार्ट सोवियत यूनियन का रह चुका है, बल्कि एक कीव में एम्पायर थी जो उस वक्त की रशियन एम्पायर, उसका कीव कैपिटल होती थी पहले, तो अब वो उनका एक तरह से आप कहें कि एक आइडेंटिटी है एक तरह की, जिसको रशिया जो है आज भी ये चाहता है किसी तरह से यूक्रेन उनके साथ मिल सकते रहे। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है तो लड़ाई को रोकने की कोशिश तो सबकी, और जैसा आप जानती हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि वो रशिया को, वो यूक्रेन को इन्वेड नहीं करना चाहते, वो अटैक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 2014 में जब इस तरह की सिमिलर घटनाएं हुई थी उस वक्त रूस के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो क्राइमिया है उसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट अहम उसका एक एक्सेस पॉइंट है, और वहां पर उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखें, अगर थोड़ा एकोमोडेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं दिखाते हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी तरह से वॉर नहीं हो सकता। रशिया ने अपना जो डिमांड थी वो दी है। देखिए डिमांड्स की या लिस्ट जब बनती है तो वो इस तरह बनती है कि सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल पे, लेकिन बाद में निगोशिएशन होते होते वो एक बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इन दोनों देशों के तनाव के बीच एंट्री अब कई देशों की हो चुकी है, हालांकि उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि युद्ध पर ब्रेक लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ, फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस तनाव की पूरी स्टोरी क्या ये भी आपको बताएंगे, और इन सबके बीच नागरिकों पर इसका कैसा असर पड़ रहा है ये भी आपको बताते हैं। तो रूस यूक्रेन तनाव के बीच पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी थी, आज कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकल जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में हमारा तीसरा बड़ा सवाल नागरिकों की सेहत से यहां पर जुड़ा हुआ है, कितनी राहत उनको होने वाली है और कितनी जल्दी वो वहां से निकल सकते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को क्यों कहा है, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है, ऐसे में एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्या कुछ ये एडवाइजरी है इस रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट के मद्देनजर अमेरिका ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को पहले ही यूक्रेन छोड़ देने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब भारत ने भी इसी तरह की एक एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों और खास करके वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की। रूस और यूक्रेन के बीच गहराती जंग की आशंका के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूदा अस्थिरता की स्थितियों को देखते हुए यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक, खासकर छात्र जिनका रुकना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि गैर जरूरी कारणों से
यूक्रेन की यात्रा करने से बचें। भारतीय नागरिकों से विनती है कि दूतावास को यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उन तक पहुंच सके। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कीव स्थित भारतीय दूतावास अपना कामकाज सामान्य रूप से जारी रखेगा और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को सभी सेवाएं प्रदान करेगा। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास की ये दूसरी एडवाइजरी है। इससे पहले पहली एडवाइजरी में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा था कि वे दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उन्हें कोई भी सूचना तेजी से पहुंचाई जा सके। यूक्रेन में फिलहाल 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। उनमें ज्यादातर संख्या वहां रहने वाले भारतीय छात्रों की है, जो वहां मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच वहां बढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स के सामने खुद को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। इधर भारत में यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स चिंतित हैं और वो सरकार से अपने बच्चों को वहां से निकालने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से करीब 100 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन जंग के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे वहां अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है। जो कुछ हुआ तो बच्चे फंस जाएंगे, इसके लिए हम इंडियन गवर्नमेंट्स को, हम गुजरात गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अब एयरलिफ्ट करके या कुछ जो कोरोना काल में बच्चों को जैसी तरह लाए थे क्या आदर्श मिशन और जो स्पेशल फ्लाइट चार्टर करके, वैसी तरह हमारे बच्चों को भी सही सलामत यहाँ पे लेके आए। भारत इससे पहले भी कई मुश्किल मौकों पर अपने नागरिकों को निकालने के लिए कई बड़े ऑपरेशन चला चुका है। ऐसे में अगर यूक्रेन में ऐसी स्थिति बनी तो भारत वहां से अपने लोगों को निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं। वहां ये बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा है, सबसे ज्यादा यहां पर उन बच्चों के अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में हमारा चौथा बड़ा सवाल भी आपको बता देते हैं क्या है। रूस यूक्रेन तनाव से चिंतित क्यों है भारतीय छात्र, ये बड़ा सवाल है। इस पर इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें हैं 19 वर्षीय आस्था की। आस्था सिन्हा वडोदरा के एक बिजनेसमैन अरविंद सिन्हा की बेटी है और फिलहाल यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। आस्था बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के जंग की आहट सुनाई देने लगी है, आस्था के पिता की चिंता बढ़ गई है। कल हमने गुजरात सरकार, जो मुख्यमंत्री है और मंत्री जी राजेंद्र भाई त्रिवेदी को हमने प्रेजेंट किया था कि हमारे बच्चों को सेफली यहाँ इंडिया वापस लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे वॉर होने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो, इससे पहले बच्चों को वापस इंडिया लाया जाए। आस्था जैसे हजारों बच्चे इन दोनों यूक्रेन में रहकर मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की उच्च शिक्षा ले रहे हैं। केवल वडोदरा के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन के अलग अलग कॉलेजों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी को लेकर यहां बच्चों के अभिभावकों के बीच चिंता है। ये लोग सरकार से अपने बच्चों को वहां से निकालने की अपील कर रहे हैं। सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपने कोविड में सब बच्चों को वापस लेके आए थे, वैसे इस बार हमारी एक गुहार सुन के बच्चों को वापस लेके आ जाइए। यूक्रेन में अभी करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर छात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और राजस्थान से हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स यहां चिंतित हैं। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों में भी असमंजस की स्थिति है। दरअसल अमेरिका सहित कुछ और देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। इससे वहां रह रहे भारतीय छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक कंडीशन ये भी है कि बाकी जो दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, वो अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो उनके सिटीजन्स जो हैं यहाँ पे, उनको इवैक्यूएट करा रहे हैं। जैसे अभी US ने अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का कि सारे USA सिटीजन्स वापस आ जाएं। तो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर हैं, जो USA के हैं, तो वो लोग जब चले जा, मतलब वो मेरे ग्रुप में है, तो उनको देख कर भी और होता है कि हर कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी इंडियन एम्बेसी के लिए तब हम इतना डिपेंडेंट रह सकते हैं, और इंडियन एम्बेसी जैसा आप जानती हैं दुनिया में सबसे बेस्ट एम्बेसी इसमें से मानी जाती है, तो हम उसी को टोटली रिलाई करते हैं हम। और अगर ये जो दूसरी एम्बेसीज, दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज अपने स्टूडेंट्स को बुला रही है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है पेरेंट्स पर।
पेरेंट्स के साथ साथ यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की नजर भी कीव स्थित भारतीय दूतावास पर है। भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इधर भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भी भारतीय छात्रों को आश्वस्त किया है कि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन में अपनी पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच और तनाव बढ़ा और युद्ध तक की नौबत आ पहुंची तो भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले भी भारत कई बार मुश्किल मौके पर अपने नागरिकों को विदेशों से निकालकर भारत वापस ला चुका है। दिल्ली से गीत मोहन के साथ, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। तो रूस यूक्रेन को लेकर आक्रामक तो है, लेकिन ऐसी कौन सी वो बात है जिस पर रूस यूक्रेन पर हमला करके पूरी दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया है? इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा बड़ा सवाल, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की वजह आखिरकार क्या है? यूक्रेन और रूस के बीच जो वजह निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अनिल जी, एक बार फिर से आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से तनाव सर बढ़ रहा है, यूक्रेन से इतना नाराज क्यों है रूस? मिलिट्री ऑप्शन पर भी विचार करने लगा है, नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो आपकी पहली रिपोर्ट थी, मैं स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, मैं खुद कई बार इवैक्यूएशन एक्सरसाइज किया है हमने लीबिया में, जहां पर बड़ा लड़ाई चली, आपको पता है, हजारों लोगों को बाहर लाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का पूरा इल्म है, और मैं समझता हूं हमारा कंट्रोल रूम 24/7 इस पर काम कर रहा है, एम्बेसी कर रही है, तो उनको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे मौका आएगा और अम्बेसडर हमारे एसेस करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो वो डेफिनेटली हर एक इंडियन को वहां से बाहर निकालने में सक्षम, ये आप लोगों को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ जी। दूसरी चीज, आपने कहा कि क्यों रशिया उतारू हो गया, तो देखिए बात ऐसा, मैंने पहले भी कहा कि जो मेन प्रॉब्लम रशिया की है वो ये है कि आप अगर देखें शीत युद्ध था ना, कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर में एक तरफ नेटो था और दूसरी तरफ वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज थे, सोवियत यूनियन लीड करता था और अमेरिका लीड करता था। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो वॉर्सा पैक्ट भी डिसइंटीग्रेट हो गया। उस वक्त अमेरिकन ने रूस के जो लीडर्स थे उनको ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। उसके बाद में 16 से 14 कंट्रीज जो है ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप के जो थे, जो वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज थे, वो सब आज नेटो मेंबर हो चुके हैं। अब रूस का कहना यह है कि जो यूक्रेन है या बेलारूस है, ये वो मुल्क हैं जो एक बफर स्टेट्स हैं उसके बॉर्डर्स के ऊपर, तो अगर ये भी नेटो मेंबर बन जाते हैं तो नेचुरली है कि नेटो का जो इक्विपमेंट है, तो रशिया जो है वो फायर एकदम फेस टू फेस जो है नेटो फोर्सेस के सामने आ जाएगा, और ये आप समझ सकती हैं किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के लिए एक बड़ा अजीब सा सवाल। बिल्कुल अनिल जी, पूरी जो दुनिया इस तनाव से दहशत में है, ऐसे में कई और भी सवाल है जो जहन में उठते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद आपका मैं रुक करूंगी। यूक्रेन और रूस के तनाव से यूरोप क्यों घबराया हुआ अनिल जी, ये भी बड़ा सवाल है। यूरोप का घबराना सीधा है, और इस बात में आपको भले बताऊं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि रशिया जो है यूरेशियन पावर है, तो मेनली जो रशियंस है, लीडरशिप है, वो सारी यूरोप के साथ इंटीग्रेटेड है काफी हद तक जी, और जो यूरोप है वो बड़ी पूरी तरह से रशिया के गैस सप्लाईज के ऊपर डिपेंड। अभी एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में आपने सुना होगा, वो एक गैस पाइपलाइन जो है रशिया ने यूक्रेन को बाईपास करते हुए जर्मनी के लिए तैयार करी है, और वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके 60-70% जो गैस है जिसके ऊपर यूरोप का पूरी इकोनॉमी बेस है, या वहां पर आजकल जाड़े हैं तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर कंपनीज जो बड़े चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो या इटली हो, बिल्कुल तनाव अनिल जी इन दोनों देशों के बीच जरूर है, लेकिन जो असर है वो दुनिया भर में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी वजह, जैसे कि अनिल जी ने भी बताया कि तेल एक बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इस कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, और रूस के बजट का करीब आधा हिस्सा तेल बेचने से आता है। ऐसे में अगर तेल की कीमतें ऊपर होती हैं तो रूस को लाभ होगा। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या यूक्रेन और रूस तनाव से रूस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, इस पर इस रिपोर्ट को देखिए। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, रशिया का जो एक दो ही सोर्सेज ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, एक तो आर्मामेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनका, दूसरा ऑयल एंड गैस है। तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए ऐसा बहुत सारी कंट्रीज नहीं भी चाहेंगी, उसके जो इतने
करीबी पार्टनर चाइना है जिसको उसने गैस और ऑयल सप्लाई करना है, वो भी नहीं चाहेगा कि कीमतें इतनी बढ़ जाए। और अगर ये युद्ध एक यूं कहिए कि अगर स्थिति हाथ से निकल गई तो फिलहाल के लिए 7 बजे 7 सवाल में बस इतना ही। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे हमारी स्पेशल पेशकश के साथ फैक्ट चेक।